मिलोर, आज हमारी अदालत में अपने जुर्मों की पाठशाला लगाने आ रहे हैं अध्यापक ज्ञानचंद विद्या चट्टोपाध्याय जी। हाँ, तो इतने लंबे नाम वाले अध्यापक जी, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप स्कूल हमेशा 10 बजे पहुंचते हैं, जबकि आपका स्कूल तो सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है। क्यों? अच्छा है, सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है? तो अगर ये बात है तो मैं प्रिंसिपल साहब को लिख के देने को तैयार हूँ कि भाई मेरा इंतजार न किया करें, स्कूल तो सुबह 7 बजे चालू कर दिया करें। तो देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स देते हैं जो आपके पास ट्यूशन पढ़ते हैं। मजबूरी है सर, अगर मैं उन बच्चों को भी अच्छे मार्क्स ना दूं तो मेरी पोल खुल जाती है कि हमारे पढ़ाने में ही प्रॉब्लम है, तो सर मजबूरी है ना स्कूल में। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप बच्चों पर हाथ उठाते हैं। भाई आप भी बताइए, अगर आप क्लास में सो रहे हो और कोई बच्चा आपके कान में पेंसिल डाल के गुदगुदा के चला जाए या आपके कान में थूक के भाग जाए तो आप हाथ नहीं उठाएंगे तो क्या प्यार करेंगे उसे? भाई मजबूरी होती है टीचर की। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप स्कूल के लिए मिलने वाले फंड को आपस में ही मिल बांट कर खा लेते हैं। क्यों? भाई ये गलत बात है, जब से मैं एज ए टीचर इस स्कूल में ज्वाइन हुआ हूँ तब से आज तक इतना फंड तो सरकार की तरफ से नहीं आया कि मैं और टीचर में बांट सकूं। मजबूरी में इसे पूरा का पूरा मुझे ही हजम करना पड़ता है सर, मजबूरी है।